एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या होता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, पहले हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर रीड करते हैं। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ब्रैकेट में यहाँ पर स्मॉल ए आई जे एन बाई एन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ब्रैकेट में कैपिटल ए आई जे एन बाई एन वेयर कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल ए आई जे and adjoint of a matrix A is denoted by small adj in capital A। अब क्या मतलब है इस डेफिनेशन का वो समझ लीजिएगा। तो ये बता रहे हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को ऑप्टेन करने के बाद जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसे उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। इट मीन्स किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स ऑप्टेंड होता है वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। अब एडजॉइंट को अगर हम इसमें स्मॉल ए डी जी से लिख देते हैं तो ये ए डी जी का मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ही रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ये टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसके जो कोफैक्टर्स होंगे, आपको पता है कि स्मॉल ए से हम एलिमेंट को लिखते हैं, कैपिटल ए से हम कोफैक्टर को लिखते हैं। तो सपोज़ करते हैं ए वन, इन सभी एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स हैं वो ये हैं और इनका जो ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो ये होगा और ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स का यही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाते किस तरीके से टू बाई टू मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स गिवन है जिसमें चारों एलिमेंट हैं, सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स आई थिंक आपको आसानी से सॉल्व करने आ गए होंगे क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में आपने सॉल्व किए थे। ए वन वन हम निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर आएगा फोर और इनटू में माइनस वन के बाद वन प्लस वन, वन प्लस वन इसलिए क्योंकि रोअर कॉलम इसके वन वन है तो सॉल्व करके आ गया फोर। और इसी तरीके से हम ए वन टू ए टू वन ए टू टू को सॉल्व कर लेंगे, यानी सभी कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। इन सभी कोफैक्टर्स को उन जिन एलिमेंट्स के कोफैक्टर थे उनके प्लेस पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होता है यही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज करना आपको याद होगा कि इसमें हम रो जो एलिमेंट रो वाइज लिखे होते हैं उनको हम कॉलम वाइज लिख देते हैं। जैसे फोर माइनस वन यहाँ पर रो में था, फर्स्ट रो में था तो इसे फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, माइनस थ्री टू सेकेंड रो में था तो उसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। तो ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का यही गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टू बाई टू ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला था चैप्टर थर्ड में। यहाँ पर हम एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इनवर्स निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है डैट मीन्स वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और साथ ही साथ इफ़ देर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच डैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बी इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। और ये बता रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स ए के लिए सेम ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी भी एग्जिस्ट करता हो जहाँ पर ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो जो बी होगा वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, इट मीन्स बी इक्वल होगा ए इनवर्स के। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से, तो वो देखेगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए तरीका होगा ये ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को अगर हम उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें तो हम उस मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल से स्कोर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे पहले आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इस टू बाई टू ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला है। डिटरमिनेंट आपको निकालना आता ही है, तो जो एलिमेंट्स हैं डायगोनली उनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टू फोर जा एट और थ्री बन जाती है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया फाइव। अब क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ ए इनवर्स एक्सिस करेगा। तो ध्यान रखिएगा किसी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए।
अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स ए इनवर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब आगे इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए इन चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो कोफैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से कोफैक्टर्स निकालते हैं, उन कोफैक्टर्स को उनके प्लेस पे पुट कर देंगे तो बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको बताया गया था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए के प्लेस में हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपने सॉल्व करी थी 5, तो वो पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के प्लेस में एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर देंगे। ठीक है, अब 5 से इन सभी एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस पूरे डिस्कशन से आप समझ गए होंगे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।